हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्कूल। कैसे हैं आप सभी दोस्त? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी लेकर आई हूँ आपके लिए, जो कि रहने वाली है एम्स की। ठीक है, एम्स भोपाल। दोस्तों, एम्स भोपाल की ये वैकेंसी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, नर्सिस की, नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसी है ये एम्स भोपाल की। ठीक है, आगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आगे आने वाले सभी अपडेट्स के लिए। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, और लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अब वीडियो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो आइए देखते हैं। एम्स भोपाल की वैकेंसी है, ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस है। और यहाँ पे हम नीचे देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली है। ये कब निकली है ये भी देख लेते हैं। ये 14 मई 2022 को ये ऑफिशियल निकला है ये, ठीक है, रिक्रूटमेंट। अब यहाँ पे नर्सिंग ट्यूटर की बात करते हैं, ऊपर वाली हमारे काम की नहीं है, नर्सिंग की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, नर्सिंग ट्यूटर, ट्यूटर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर नर्सिंग RR ऑफ एम्स भोपाल। ठीक है, एम्स भोपाल की बात हो रही है यहाँ पे, जिसको ट्यूटर की ज़रूरत है। एज लिमिट है यहाँ पे 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 33 आपकी सीट है टोटल, जिसमें कि 5 SC की है, 2 ST की, 9 OBC, 3 EWS और 14 है जनरल कैटेगरी की। ठीक है, अगर आपने बीएससी नर्सिंग की है, साथ ही साथ 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, और आप इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड भी हैं, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ इन्होंने प्रेफर्ड डिज़ायरेबल मांगा है कि अगर आपने MSc की है, साथ ही साथ आप रजिस्टर्ड मिडवाइफ और नर्स भी हैं, 3 साल का एक्सपीरियंस टीचिंग भी है आपके पास MSc करने के बाद, या आपने PhD MPhils की है, तो आप डायरेक्ट इस पर जिन्होंने पब्लिश किया हो कोई अपना इंटरनेशनल जनरल कुछ भी नर्सिंग का, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छी वैकेंसी रहने वाली है, और आपको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। काफ़ी अच्छी इसकी सैलरी भी रहेगी दोस्तों। ठीक है, अभी जो है इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ठीक है, जो ऑनलाइन इसकी एप्लीकेशन, वो अभी एक्टिवेट नहीं हुई है। स्टार्टिंग डेट एंड लास्ट डेट जो अभी एक्टिवेट नहीं हुई है, उम्मीद है ये 20 to 30 days के अंडर इसकी एक्टिवेटेड जो लिंक है अप्लाई करने के लिए, वो एक्टिवेट हो जाएगा दोस्तों। तो एक्टिवेट जो होगा उसे हमें अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। वेबसाइट ये रही aimsbhopal.education.in, ठीक है, ये वेबसाइट है इसकी। और जो इसका लिंक एक्टिवेशन का जो अपडेट है, आपको मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्कूल पर मिल जाएगा, और साथ ही साथ एम्स भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा दोस्तों। तो अभी जब भी ये एक्टिवेट होगा लिंक, तो मैं आपको अपडेट दे दूंगी। एंड साथ ही साथ यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या चाहिए होगा। ठीक है, फॉर्म फिल करते वक्त आपके पास हाथ साथ में होना चाहिए वैलिड ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ जो स्कैन होनी चाहिए JPG फॉर्मेट में, स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए कैंडिडेट के JPG फॉर्मेट में, ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी होनी चाहिए जिसकी बात मैं अभी नीचे करूँगी आपसे, और अदर डिटेल जो भी एडवर्टाइजमेंट में रिक्वायरमेंट आपसे। ओके,